हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने राज्य सरकार पर यूके एसएससी पेपर लीक मामले पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इस भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के मुताबिक हाकम सिंह सत्ता में बैठे लोगों का केवल एक कर्मचारी है, जबकि इसमें कई बड़े मगरमच्छ और पकड़े जाने हैं। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि जिस राज्य में भर्ती के नाम पर इतने घोटाले हो रहे हों, वहां मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी युवाओं के साथ धोखा कर भर्ती घोटाले को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। देखिए साहब, ये लीपापोती है। हाकम सिंह एक प्यादा है, अभी वजीर का पकड़ा जाना बाकी है, और वो वजीर आज भी जो है महफूज तरीके से जी रहे हैं। उसमें एक वजीर नहीं, कई वजीर हैं, ये पूरी मिली भगत है। आप समझ सकते हैं कितने दुर्भाग्य की बात है अगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। मैं सबसे बड़ा पाप और अत्याचार इस देश में अगर किसी चीज़ को मानता हूँ, वो मानता हूँ किसी की प्रतिभा को दबाना। प्रतिभा कभी दबनी नहीं चाहिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ उत्तराखंड की सरकार को कि स्प्रिंग को कितने दिन अंगुली से पकड़ के रख सकते हो आप। जिस दिन आपके अंगुली में दर्द हो जाएगा और जितने तेजी से आप छोड़ेंगे उतने तेजी से वो आपके आंख में जाके चुभेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसलिए प्रतिभा को दबाने का जो काम किया है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खुले मंच से उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इसका त्वरित पूरी कमेटी बिठाकर समाधान करना चाहिए। जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ दिक्कत हुई है, ये समाधान नहीं है कि हमने जो है पूरे परीक्षा रद्द कर दी और अब अगली बार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, और ये भी समय बताएं कि कितने समय में करोगे। प्रोसेस ही पनिशमेंट है कहा गया है, यानी कि प्रक्रिया ही दंड है। प्रक्रिया ही को दंड बना दोगे, ये बच्चा जो आज हमारा नौकरी में लग जाता, जिसकी उम्र 22 साल थी, आने वाले 3 साल बाद जब आप उसकी वैकेंसी निकालोगे तो उस समय उसकी उम्र जो है 25 साल हो जाएगी ना। हमारा स्टैंड साफ सुथरा ये है कि हम पूरे तरीके से मुखर होकर उत्तराखंड की जनता नवयुवकों के साथ खड़े हैं और हम पूरे तरीके से इस तरीके का अत्याचार जनता के साथ नहीं होने देंगे। हाकम सिंह अभी पकड़ा गया है, अभी और भी हाकम सिंह को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, पूरी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे, जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता है आम आदमी पार्टी का स्टैंड खड़ा रहेगा। हाकम सिंह केवल इनका वर्कर है, राजनीति ही इसमें इन्वॉल्व है पूरे तरीके से। सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें पूरे तरीके से पैसे के लेन देन में शामिल है, मैं ये बता देना चाहता हूँ। पूरे तरीके से नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हुए अपने पद से त्याग पत्र दिया जाना चाहिए।